Hello students, today we'll see the chapter 2 of HSC IT Commerce class 12 new syllabus, that is digital marketing. ठीक है ना, तो स्टूडेंट जैसे कि ये कुछ थोड़ा फार आपका जो साइंस में जो सेकेंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू SEO उसके जैसे ही है ऑलमोस्ट. ओके, मतलब SEO के बारे में ही है इसमें. SEO, फिर वाइट हैट ब्लैक हैट SEO, फिर सर्च इंजन का कॉन्सेप्ट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, एंड यू कैन से ऑर्गेनिक और पेड सर्च क्या होता है, राइट. जैसे गूगल में जो सर्च रिजल्ट्स में जो दिखाता है ऑर्गेनिक सर्च वगैरह वो, फिर यू कैन से SEO स्ट्रेटजीज क्या क्या है, टेक्निक्स क्या होते हैं SEO के और वर्किंग कैसा होता है, देन गूगल एनालिटिक्स क्या है, ठीक है ना. सो दिस ऑल थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके, ए शॉर्ट वीडियो विल बी दिस वन एक्चुअली, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका रिवीजन देखने वाले, फटाफट देखेंगे, ठीक है. एग्जांपल्स वगैरह दिया हुआ है उसके हिसाब से द मेन जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका वो देखेंगे हम लोग SEO का, ठीक है ना. सो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स वीडियो को. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके जो भी मैं अपलोड करता हूँ इस चैनल पे, टेक न्यूजन चैनल पे. एंड आप लोग ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं मुझे फॉर एनी डाउट्स और एनी नोट्स काइंड ऑफ थिंग. ओके, एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को अच्छा लगे तो, एंड डेफिनेटली शेयर कर देना अपने फ्रेंड स्टूडेंट्स में, ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग. सो मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, खरीदना बेचना. ओके, मतलब मेन तो खरीदना बेचना नहीं बोल सकते आप, इसमें ये बोल सकते हो कि प्रचार करना, मतलब कोई भी प्रोडक्ट का प्रचार करना, यू कैन से लाइक दैट, ठीक है. फिर वो बाद में खरीदने बेचने पर जाता है. फिर डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग मतलब डिजिटली आप कैसे कर रहे हो, मतलब ऑनलाइन के हिसाब से आप कैसे कर रहे हो उसको मार्केटिंग. अब जैसा मार्केटिंग नॉर्मल में कैसा होता है, आप एडवर्टाइजमेंट बैनर वगैरह लगाओ स्टेशन पे, रोडवेज पे, या सिनेमा हॉल्स के आजू बाजू में, ठीक है ना, मतलब वो मार्केटिंग अलग हो गया. और डिजिटल मार्केटिंग मतलब जो ऑनलाइन थ्रू, जैसा फेसबुक एड्स हो गया, बिंग एड्स हो गया, ठीक है ना, आप जो एड्स देखते हो आपके फेसबुक में या बिंग में, जो सर्च इंजिन्स वगैरह में, ये सब यू कैन से गूगल एडवर्ड्स जो होता है वो, ठीक है, तो ये सब जो होता है वो यू कैन से डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है. फिर चैनल्स क्या क्या हैं डिजिटल मार्केटिंग, जो भी मैंने नाम लिया अभी, एडवर्ड्स, फेसबुक एड्स, ये सब चैनल्स यू कैन से. देन सर्च इंजिन मतलब जो गूगल में आप सर्च करते हो पर्टिकुलर कोई भी चीज़, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ यू कैन से डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना, डिजिटल मार्केटिंग, तो ये आ गया इधर सर्च, तो ये जो सर्च पे आ रहा है, ठीक है ना, ये सब क्या है, यू कैन से ये सब सब रिजल्ट्स हैं, ठीक है. और इधर देखो अपना सब डिटेल्स आ रहा है आपका, मतलब जो भी सर्च कर रहे हो आप तो उसका सब यहाँ पे डिटेल्स आ रहा है, ठीक है. तो ये आपका बोलते हैं हम लोग क्या होता है, दैट इज सर्च इंजन होता है, मतलब ये क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है. वैसे ये बिंग लिया हुआ है मैंने, ठीक है ना, देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ये बिंग लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है, बिंग मेरा अभी मैंने यूज़ किया है, तो बिंग है. या फिर गूगल लो, गूगल सर्च इंजन, डक डक गो, ऐसे बहुत सारे यू कैन से सर्च इंजन्स है, याहू, आस्क, ये वाला सर्च का, फिर एओएल सर्च, ये सब बहुत कुछ यू कैन से आपको मिल जाएगा, ठीक है. तो ये सब है. फिर ऑर्गेनिक और पेड में यू कैन से, ऑर्गेनिक मतलब ये वाला जो अभी दिख रहा है ना आपने को, ये ऑर्गेनिक हुआ, ऑर्गेनिक मतलब फ्री ट्राफिक है ये आपका. फिर पैसा वैसा भर के ये करते हो, तो जैसा कि अभी आपको मैं बता दूँ यहाँ पे अमेज़ॉन, ठीक है ना, अमेज़ॉन, ठीक है, अमेज़ॉन, तो यहाँ पे अमेज़ॉन तो आ गया, एक मिनट नायका देखते हैं तो, ठीक है, इसमें भी वही दिखा रहा है, एक मिनट, बाय शूज, ठीक है, हाँ. तो अभी देखो यहाँ पे, देखो ये एड्स दिख रहे हैं अपने को, ठीक है, ओके. तो एक मिनट, आई विल शो यू ओवर, ठीक है ना, तो हाँ यहाँ पे एक मिनट, ये जो है ये सब ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, यू कैन से फ्री ट्रैफिक है. और जो पेड ट्रैफिक होता है ना, इधर इधर बाजू में एड्स करके आता है, ठीक है, क्लोथ्स,
तो देखो एड्स यू कैन से, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये एड्स करके लिखा आ रहा है, ठीक है ना। तो यू कैन कंसिडर दीज थिंग्स, तो इधर अबाउट द एड, जो एड्स है ये सब एड्स का दिखा रहा है आपको, ठीक है। और भी होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल में भी यू कैन से, ओके, देखो यहाँ पे आया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एड्स, ठीक है, जैसे आपने सर्च किया तो उस हिसाब से ये एड्स दिखाने लग गया इधर, ठीक है, एड्स करके, ठीक है। और भी होता है, मतलब ऐसे दिखाता है आपको, मैं बता देता हूँ। चेक तो ट्रैकपैड लैपटॉप, ठीक है, तो यही रहता है एड्स का। अभी इसमें ये इधर में इसमें नहीं आ रहा, बट साइड में जो था वो ये, नहीं तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। वैसे रिविजन सेशन है आप लोग का, ठीक है ना। तो समझ गए आप, तो यही सब है। फिर SEO वगैरह मैं बताता हूँ आपको, आगे हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे, नहीं तो और भी यू कैन से लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पे देखो सब, यू कैन से एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब एक्चुअली मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अभी हम लोग रिविजन कर रहे हैं, एंड यू कैन से जो इम्पोर्टेंट है आपका, इम्पोर्टेंस जो भी है ये चैप्टर का रिलेटेड, सब प्लेलिस्ट मैंने पहले से डाल दिया हुआ है चैनल पे, वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। इस चैनल के सॉरी इस वीडियो के आई बटन में आपको दे दूंगा, एंड स्क्रीन से मिल जाएगा आपको, ठीक है। और IT का टेस्ट ऑनलाइन जो रहता है, वो कैसे हम लोग अपेयर करते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक। किसी को वीडियो नहीं मिला रहेगा तो मुझे कमेंट करना इस वीडियो पे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो दो एग्जांपल्स लिए, एक एक डिजिटल मार्केटर लिया हुआ है जो मार्केटिंग करता है, और एक कस्टमर है जो कि जिसको मार्केटिंग करवाना है, यू कैन से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इज वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग क्लिक एंड बूस्ट इंडिया पे है, ओके। वो एक क्या कौन है, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है। और सुहास जो है ना, एक कंपनी चलाता है, ठीक है, जिसको कि यू कैन से मैन्युफैक्चर करता है, जो मतलब मशीन्स को जो बियरिंग्स वगैरह लगता है वो सब मैन्युफैक्चर करता है। तो वो क्या करता है, यू कैन से ये जो अजय है ना, अजय को वो अपॉइंट करता है, ठीक है। अजय को कौन अपॉइंट करता है, एज अ कंसल्टेंट फॉर डिजिटल मार्केटिंग वो अपॉइंट करता है। क्यों, क्योंकि उसको एडवर्टाइजिंग करवाना रहेगा, डिजिटल मार्केटिंग करवाना रहेगा, अपना एडवर्टाइजिंग करवाना रहेगा, ठीक है ना। तो सुहास कौन हो गया, यू कैन से कस्टमर या क्लाइंट हो गया अजय के लिए। अजय कौन है, डिजिटल मार्केटर है। तो वो क्या बोलता है, हाय सर, यू कैन से कोई मेथड है क्या टेक्नोलॉजी का, जो भी वेब टेक्नोलॉजी में मार्केटिंग के हिसाब से कुछ है क्या, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अलग हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब क्या होता है कि आपका, यू कैन से जो क्या बोलते हैं उसको, जो बैनर्स वगैरह वाला, जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, बैनर्स जो स्टेशन वगैरह बैनर्स लगता है, फिजिकल बैनर्स लगता है जो कपड़ों में जो ये होता है, फिर या फिर पेंटिंग वगैरह कर दिया, वॉल पेंटिंग वगैरह, तो वो सब एक मार्केटिंग हो गया। तो वो सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, पैम्पलेट बांट दिए, वो सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गया, ठीक है ना। फिर अजय क्या बोलता है कि भाई ऐसे करने से आपका जो, यू कैन से मतलब जो मार्केटिंग जो है, एक्चुअली ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग एक यूज़ करते हैं एक्चुअली, तो उसको राइट प्लेस और राइट टाइम पे भी यूज़ करना चाहिए। तो आजकल के ज़माने में, दैट इज़ इन द टुडे एरा, जो भी टेक्नोलॉजीज के हिसाब से हम क्या करते हैं उसमें, मतलब ये नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे लोग जो है ज़्यादा इंटरनेट पे रहते हैं, तो हम भी इंटरनेट पे तो कैसे बहुत सारे जरियों से हम लोग कर सकते हैं मार्केटिंग, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे ही मैंने बताया था, बिजनेस कार्ड्स, टैंजिबल आइटम जो भी है, जैसे कि पोस्टर्स, TV, रेडियो, बिलबोर्ड्स, ये सब, ब्राउजर ब्राउजर्स वगैरह सब, ठीक है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि वेबसाइट्स हो गए, सोशल मीडिया मेंशंस हो गया, जैसा हैशटैग लगा के करते हैं ना कोई भी चीज़ का, प्रोडक्ट का ये करना है, मतलब बैनर लग अपना क्या बोलते हैं उसको, हैशटैग रिड्यूस मोर सिलेबस जो था, हैशटैग मोर सिलेबस जो था, मतलब रिड्यूस मोर सिलेबस था, या फिर कैंसिल एग्जाम का जो चल रहा है ऐसा सब हैशटैग हो गया, या महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स का हैशटैग हो गया, ये सब यू कैन से लिस्टिंग्स बोल सकते हैं, मेंशंस बोल सकते हैं, या यूट्यूब वीडियोस बनाओ उसको ये करवाओ, प्रचार करवाओ, मतलब वो भी यू कैन से प्रमोट करा के आप उसमें भी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, बैनर एड्स हो गए, वेबसाइट से ब्लॉग्स पे वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं, तो वो सब हो सकता है, ऐसा वो बोल रहा है। तो सुहास क्या बोल रहा है, मतलब आप ये बोल रहे हो कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ही एडिशनल मार्केटिंग होता है क्या, तो बोलता है यस, आप आधा सही हो, पर फुल्ली अगर मैं बताने जाऊँ तो यू कैन से डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक्चुअली में नया नहीं है, बट इंटरनेट के हिसाब से, इंटरनेट के ज़माने के हिसाब से, इंटरनेट यूजर्स ज़्यादा इंक्रीज होने के कारण हम लोग, और मोबाइल फोन ज़्यादा यूजर्स कंजम्प करने के कारण,
ये एक एक अच्छा ऑप्शन है यू कैन से। सो जो भी है चीज़ें लोग क्या करते हैं सर्च कर, अभी जैसे मैंने अभी देखा आपने ट्रैक पैड जो ऐसा मैंने बताया आपको, तो करने से क्या हुआ इधर जो आया था तभी रिजल्ट अपना देखो ये वाला, तो ये करने से एक्चुअली ये चाहिए था अपने को, तो ये तो इधर मिलेगा apple.com पर। अगर ये नहीं होता रिजल्ट तो ये अगर इधर दिखाता इधर ऊपर, ठीक है ना, और ये जो दिख रहा है अपने को ये साइड में दिख रहा है, ठीक है, तो मतलब ये एड्स ऐसा दिख गया ना फटक से आप क्लिक करके जा सकते हो उधर, नहीं तो इधर जाके ढूंढना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो इधर कैसा है ये ऐड है, देखो ये ऐड दिखा है, मतलब जैसे ही आपने ट्रैक पैड किया तो जो भी कंपनी बेचता रहेगा ये करता रहेगा वो फटक से इधर ऐड दिखा देगा आपको, तो आप इधर जाके फटक से क्लिक करके आप जा सकते हो, ठीक है ना। तो वही है क्योंकि सर्च कर रहे हैं लोग ट्रैक पैड के बारे में, तो आपको फटक से एड्स के हिसाब से आप उधर जाके कर सकते हो, ठीक है। वो देखो यहाँ पे कस्टमर रिव्यूज फीचर्स प्राइसिंग वगैरह सब होता है, जैसे अभी इसमें देखा आपने सब है ना इसमें, ओके। और इसके नीचे प्राइसिंग भी रहता है, इसमें कंपनी का नाम दिया है स्कार्टर्स में मिल रहा है आपको ये, ठीक है, और प्राइसिंग भी है सब कुछ है मतलब इसमें। तो वही बोल रहे हैं फिर यू कैन से सुहास फिर से पूछ रहे हैं कि सर हाउ मार्केटिंग विल हेल्प यू टू प्रमोट मेरा बिजनेस ऑनलाइन, मतलब कैसे हम लोग मार्केटिंग से यू कैन से प्रमोट करेंगे बिजनेस ऑनलाइन, जरा बताइए कोई मेथड या चैनल है कोई यू कैन से मेरा प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो बोलता है हाँ यस, ऐसा बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग में है, तो ऐसे में क्या है जैसे कि कंटेंट का प्रमोशन करो या आपका ये सोशल मीडिया में कैंपेन चलाओ या SEO करवाओ या फिर यू कैन से मोबाइल मार्केटिंग करवाओ, ठीक है ना, मोबाइल से जो मैसेजिंग वगैरह होता है यू कैन से, फिर ईमेल मार्केटिंग करवाओ, ईमेल वगैरह भेजो, पे पर क्लिक करो, जैसा गूगल एड्स में हम लोग कोई ब्लॉग्स वगैरह पे ये करते हैं मतलब एड्स वगैरह लगवाते हैं, तो उधर कोई ऐसा मतलब जो सर्च करता है तो जाने के बाद क्या होता है अगर उसको कुछ खरीदना रहेगा उसी रिलेटेड अगर उसको दिख गया ऐड तो क्या करेगा क्लिक करेगा उधर और जाएगा वेबसाइट पे जाके जिधर वो सामान मिल रहा है वो खरीद लेगा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के हैं, तो यहाँ पे चैनल्स जो है हम लोग डिस्कस करेंगे के, तो यहाँ पे देखो यू कैन से सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन जो कि कंटेंट वगैरह हम ऐसे लिखते हैं कि जैसा अभी ये देखो कीवर्ड वगैरह लिखा हमने, देखो मैजिक ट्रैक पैड, तो ये क्या है कीवर्ड है मतलब SEO किया हमने इसका, ये मेटा डिस्क्रिप्शन में डाला हो, ये टाइटल है सपोज, तो जैसे ही मैंने इधर किया तो टाइटल में क्या है बाय मैजिक ट्रैक पैड 2 करके, तो ये इसमें आ गया, ठीक है। फिर बाद में डिस्क्रिप्शन में आ गया ये वाला कीवर्ड, तो ये सब क्या है ये SEO होता है एक्चुअली, ठीक है ना, मतलब जो अपन SEO करते हैं ना तो उस हिसाब से क्या होता है विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कीवर्ड से, जैसा ट्रैक पैड बताया तो सर्च इंजन जो है टॉप में दिखाता है आपको जैसा यूजर का आपका डिमांड है, जो भी यूजर को चाहिए जो भी सर्च करता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रिलेटेड टू दैट मतलब दो बिजनेस। मोबाइल मार्केटिंग जैसे मैंने बताया SMS वगैरह करना, फिर ईमेल मार्केटिंग क्या होता है आपका ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करना, जो ईमेल्स आते हैं ना कि आपको ऐसे डिस्काउंट्स में ये अपना फ्लिपकार्ट वगैरह का चल रहा है, ठीक है ना, तो वो सब क्या करते हैं वो फिर बैनर्स वगैरह ऐसे ही भेजते हैं आपको और ऑफर्स वगैरह भेजते हैं जो मेल से वही रहता है। फिर बाद में आप उसको क्लिक करके यू कैन से जाते हो वेबसाइट पर और खरीदते हो जो भी है। फिर बाद में पेड सर्च, अभी पेड सर्च जैसा मैंने बताया था आपको ये कैसा है, ये भी एक एड्स लगाते हैं इधर, ठीक है ना, तो ये पेड एड्स हो गया या फिर बिंग एड्स हो गया या आपका यू कैन से फेसबुक एड्स हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो पेड सर्च और पेपर क्लिक यू कैन से एडवर्टाइजिंग रेफरेंस स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स, ठीक है ना, स्पॉन्सर्ड, तो ये कैसा है ये स्पॉन्सर्ड टाइप का आ गया इधर, ठीक है ना। अभी एक मिनट एडवर्ड्स का देखता हूँ, हाँ ये देखो अभी आया ना, देखो ये इधर दिख रहा है अभी एड के हिसाब से ये दिख रहा है आपको ऐसा, ठीक है ना, एड लिख के ये ऐसे आ रहा है आपको, मतलब ये एड है और ये जो है ये नॉर्मल वेब है, वेब लिंक है ये, ठीक है, तो ये जो है एड्स है, तो एड लिख के ऐसे आता है ना उसको एड्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अभी फ्लिपकार्ट फैशन सेल, ठीक है, तो इसमें ये पूरा क्या आ रहा है इसका एक्चुअली डिटेल्स ही आ रहा है, तो टुडे ऑफर में जाते हैं उसमें भी कुछ नहीं आ रहा है ना, ओके ठीक है, सिर्फ ये करके देखते हैं हम फ्लिपकार्ट, ठीक है, आया इधर आइए तो ये दिखाएगा आपको, ठीक है, तो वही है मतलब जो मैं बता रहा था आपको, ठीक है। तो पेड सर्च वो होता है, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर यू कैन से स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स के हिसाब से वो दिखाता है जो कि सर्च में दिखाता है आपको, सर्च इंजिन रिजल्ट्स पेज, ये जो रिजल्ट्स पेज में जो दिखाता है वैसा, ठीक है। एक पर्टिकुलर यू कैन से टारगेट ऑडियंस को अपन टारगेट करके देखो यहाँ पे दिया है, दैट इज यू कैन से स्पेसिफिक सर्च फ्रेजेस आर एंटर्ड ओवर हियर यू कैन से बाय टारगेटिंग देम टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस, मतलब एक पर्टिकुलर मतलब कैसा है कि अगर ये जो एड दिख रहा था अभी, ये जो अगर दिखाऊं मैं एड जो था अपना चल रहा था इधर,
हाँ ये जो ऐड दिख रहा है, मतलब अगर किसी ने सर्च किया, अगर मुंबई में रह के किसी ने सर्च किया तो ही दिखाना चाहिए, नहीं तो नहीं दिखाना चाहिए ऐसा। तो क्या होता है, अगर आपका अगर महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक्स का ऊपर का कुछ है साइट, अगर बेचना है उसको, तो कैसा है कि अगर वो इंदौर में, ग्वालियर में, दिल्ली, ये सब साइड में दिखा के कुछ मतलब है क्या? नहीं ना, उधर के बच्चे लेंगे क्यों महाराष्ट्र बोर्ड के बुक्स, ठीक है ना? तो वो क्या करेंगे फिर, गूगल्स में क्या करेंगे, ऐसा टारगेट करेंगे ऑडियंस को कि जो ऑडियंस मुंबई से सर्च कर रही है उनको ही यू कैन से रिजल्ट ऐसा ऐड करके दिखाओ। तो वो एट यूजिंग द पर्टिकुलर टारगेटिंग एंड पर्टिकुलर ऑडियंस यू कैन से यू विल गेट कॉस्ट, मतलब जो भी पे करेगा उसको क्लिक करके वो ऐड को, तो जैसे ऐड क्लिक हुआ तो पैसा उसमें खर्चा होता है, ठीक है? फिर बाद में कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट इज किंग, ये तो सबको पता है। तो क्वालिटी कंटेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो कंटेंट मार्केटिंग क्या बताता है, जो भी क्रिएशन और प्रमोशन जो है कंटेंट का, एक्चुअली ब्रांड का जो क्रिएट करते हो आप लोग, अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह या ट्रैफिक लीड जनरेशन, ठीक है ना, ट्रैफिक वगैरह जो रहता है वो सब यू कैन से एक एसेट होता है कंटेंट इसका, मार्केटिंग का, ठीक है ना? मतलब मार्केटिंग करते हो आप कि ट्रैफिक का कितना ग्रोथ हुआ है, ब्रांड का कितना अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस कैसे बढ़ाएंगे, जैसे कि हर सोशल मीडिया में आप यू कैन से हैशटैग लिस्टिंग मेंशंस देके, फिर उनका यू कैन से अकाउंट्स क्रिएट करके, फॉलोअर्स बढ़ा के यू कैन से ब्रांड का अवेयरनेस कर सकते हो उसमें, ठीक है ना? तो उस हिसाब से होता है ब्रांड अवेयरनेस। जैसे देखो इधर दिया वीडियो, ब्लॉग्स, ई बुक्स वगैरह वगैरह, ठीक है? अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब वही जो भी आप यू कैन से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, ये सब जो होता है इसमें जो क्या करते हैं, ऑडियंस हम लोग बिल्ड करते हैं, ओके, वो ब्रांड के रिलेटेड। क्यों? क्योंकि हम लोग को सेल्स और इंक्रीज करना रहता है और ट्रैफिक में जो ये क्या बोलते हैं यूजर्स बढ़ाने रहते हैं, मतलब विजिटर्स जो होता है वो ट्रैफिक में, वी आर ड्राइविंग द वेबसाइट ट्रैफिक यू कैन से एक्चुअली, ठीक है? सो मीडिया मार्केटिंग जो भी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग यू कैन से बाय यूजिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट्स टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो मतलब क्या है, जैसे आप फॉलोअर्स बढ़ाए रहेंगे वहाँ पे, और तो कैसा है वो ट्रैफिक उधर जाएगा, मतलब लोग उधर जाएंगे, उधर जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे तो आपका सेल्स भी बढ़ेगा। तो इस हिसाब से यू कैन से सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है। तो मिस्टर सुहास बोलता है कि ओके सर, नाउ आई नीड टू एनी ऑफ द, कोई भी एक चैनल लेके हम क्या करेंगे, जो भी सेल्स हम लोग जनरेट करने को ट्राई करेंगे, पर मुझे एक बात बताओ सर्च इंजिन क्या होता है फिर, ठीक है ना? और मैं मेरा वेबसाइट को कैसे एकदम टॉप पे रैंक करा सकता हूँ? जैसा अभी मैंने एडवर्ड डाला, तो कैसा होता है कि ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स रहेंगे, देखो अभी यहाँ पे देखो ये वर्ड्स, वर्ड स्ट्रीम में भी एडवर्ड्स का है कीवर्ड, फिर विकिपीडिया में भी है, ऐसे बहुत सारे मतलब इसमें, फिर ये फ्रेश बुक्स में भी एडवर्ड्स का आ गया कीवर्ड, फिर neilpatel.com में भी एडवर्ड्स का कीवर्ड आ गया, देखो, ओके। और अपन ने क्या सर्च किया था यहाँ पे, एडवर्ड सर्च किया था, देखा ना, यहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने, सर्च एडवर्ड सर्च किया था, ठीक है ना? तो ये एडवर्ड्स जैसे ही सर्च किया हम लोगों ने, ऐसे बहुत सारे सर्च रिजल्ट पेज में यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स आ गए। तो इसमें सबसे टॉप पे कौन सा आया, वो तो वो बोल रहा है कि वही, वैसे ही मेरे को एकदम हाई पे रैंक कराना है वो चीज़ को, तो कैसे कराएंगे? फिर वो फिर एक्सप्लेन करता है कि सर्च इंजन क्या होता है और उसको कैसे हम लोग करेंगे। तो वेब सर्च इंजन होता है या फिर इंटरनेट सर्च इंजन होता है, वो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि यू कैन से इज डिजाइन टू कैरी आउट वेब सर्च, मतलब जैसा अभी हम लोगों ने सर्च किया एक पर्टिकुलर कीवर्ड को, एडवर्ड्स को, मतलब वर्ड जो होता है उसको कीवर्ड बोलते हैं हम लोग, पर्टिकुलर कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है ना? पर्टिकुलर यू कैन से एक कीवर्ड बोलते हैं हम लोग, ठीक है? सो दैट इज द थिंग। नाउ यू कैन से, तो ये क्या है, हम लोग सर्च कर रहे हैं थ्रू www, ठीक है ना? जो भी है यहाँ पे क्या दिख रहा है आपने को, https ads, मतलब ये पूरा वही है, www ही है एक्चुअली, ठीक है ना? सब वही रहता है एक्चुअली। हाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है www, ठीक है ना? तो ये सब वही है। तो वर्ल्ड वाइड वेब पे यू कैन से टेक्सचुअल वेब सर्च क्वेरी जो भी आपने को दिखना है वो दिखेगा किधर, आपका लाइन टू लाइन सर्च इंजिन रिजल्ट्स पेज में दिखेगा। और वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है, वेब पेजेस भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकता है, वीडियोस भी हो सकता है। जैसा अभी इसमें है, अगर मैं आपको बता दूँ, देखो इधर क्या है, ऑल है, बुक्स है, न्यूज़ है, इमेजेस है। तो इमेजेस में जाओगे तो इमेजेस का दिखेगा, वीडियोस में जाओगे तो वीडियो दिखेंगे, फिर ऑल में जाओगे तो मेन आपका टेक्सचर दिखता है यहाँ पे, ठीक है ना? तो वही सब यू कैन से डिफरेंट डिफरेंट दे उस टू सी। हाँ अभी यहाँ देखो अजय बोल रहे हैं, जो डिजिटल मार्केटर है वो क्या बोल रहे हैं, अगर आपको ऐसा देखना है कंपैरिजन, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्च रिजल्ट जो याहू में और गूगल में एक प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट का हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बाय न्यू कार, जैसा मैं बता रहा था, तो बाय न्यू कार में देखो, देखो एड्स रिलेटेड यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे अपने को
ये देखो ये वाला दो पेजेस का सर्च रिजल्ट पहले दो टॉप में आ रहा है, ठीक है ना। ओके तो सर्च रिजल्ट्स में जो आ रहा है ये क्या है, याहू सर्च इंजन का है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये वाई का याहू का लोगो है, यहाँ पे देखो इन डॉट सर्च डॉट याहू डॉट कॉम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गूगल डॉट कॉम उसका सर्च। तो बाय न्यू का जैसे गूगल डॉट कॉम में जाके करोगे तो देखो यहाँ पे फर्स्ट इसमें ऐड दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो स्पॉन्सर्ड, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेटर स्पॉन्सर्ड करके, ठीक है ना। तो ये स्पॉन्सर्ड हो गया, स्पॉन्सर्ड आई डी कैन से, ठीक है। फिर बाद में दूसरा एक वेबसाइट है कार देखो डॉट कॉम, उसमें शायद से बाय न्यू कार का दिखा रहा है आपको, जैसे मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, वही है पूरा, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट गूगल सर्च इंजिन का रिजल्ट पेज है ये, ठीक है। तो वैसे हम लोगों ने दो का देखा, ऐसे बहुत सारे हैं। ओके एक्चुअली एज पर द कीवर्ड दैट यू यूज द कॉन्टेंट ऑफ द वेबसाइट इन द कॉन्टेंट इन बिटवीन द कॉन्टेंट ऑफ द वेबसाइट, जो भी कॉन्टेंट जो होता है, मतलब ये क्या है अभी टोटल देखा जाए तो एक पूरा टोटल कॉन्टेंट ही है आपका, अगर इधर से इधर तक देखें तो एक कॉन्टेंट है। इसमें क्या है, आपने कीवर्ड्स जो लिए हैं ठूसे हुए हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से सर्च इंजन बिहेव करता है, ठीक है, और रैंक करने में टॉप 10 में या टॉप 20 रिजल्ट्स में आता है। और वैसे कैसा है ना, फर्स्ट पेज में आना चाहिए, जैसा अभी ये क्या है आपका दिख रहा है, एक दो, मतलब ये देखो कितना पेज है, एक कुछ सात आठ दिखा रहा है, फिर बाद में नेक्स्ट, ऐसे ज़्यादा क्या ज़्यादा ही है ना, फर्स्ट या सेकंड पेज में आपका रैंक होना चाहिए, मतलब इसी में आपका ये वेबसाइट जो है ना वो पर्टिकुलर जो भी कीवर्ड्स आपने सर्च किया उसी में दिखना चाहिए। तो दिखना चाहिए मतलब क्या, मतलब अच्छा है, बेटर है, तो और अच्छा ट्रैफिक मिलेगा, और अच्छा ग्रोथ रहेगा आपका, और अच्छा पैसे कमा सकते हो, और अच्छा प्रोडक्ट आप भी कमा सकते हो। अगर पीछे जाएगा तो कोई ऐसा बैक बैक करके जाता नहीं इतना, वो बोल रहा है। फिर यहाँ पे मिस्टर सुहास, वो क्या बोलता है अभी, ये जो है ये कौन है, कस्टमर है, मतलब क्लाइंट है, ये बोलता है ओके ठीक है, अब क्या करते हैं, ये क्रिस्टल एकदम क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर की तरफ, पानी की तरफ साफ हो गया कि जो सर्च इंजन है वो क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रैंक करने में वेबसाइट को। तो मुझे बताओ क्या मुझे पे भी करना पड़ेगा क्या, ठीक है, तो मतलब अगर इकोनॉमिकल हुआ तो यू कैन से पे करूँगा। तो वो बोल रहा है और कि और कोई दूसरा भी है जिससे कि हम रैंक कर सकते हैं विदाउट पे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है फिर, यस हो सकता है ऐसा, दो वेज है, एक है पे एंड रैंक, ठीक है। विदाउट पेमेंट वन कैन रैंक वेबसाइट डूइंग SEO प्रोसेस, जो कि ऑर्गेनिक सर्च है, जो कि मैं ये बता रहा था आपको। ये क्या है, गूगल में जो दिख रहा है आपने को, ये क्या है अभी, ऑर्गेनिक सर्च है ये आपका, ठीक है ना, ये क्या है ऑर्गेनिक सर्च, इधर दिया मैंने और इधर सब आ गया रिजल्ट, तो ऑर्गेनिक सर्च है ये, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक सर्च। तो देखो यहाँ पे एक मिनट बता देता हूँ, हाँ तो ऑर्गेनिक सर्च है, तो ऑर्गेनिक सर्च और पेड सर्च का हम लोग डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे। जैसे ही मैंने बताया था जो कीवर्ड एड मार्क्ड है वो क्या है, यू कैन से ये जो है द कीवर्ड एड मार्क्ड हियर शो, क्या बताता है ये आपको कि जो साइट है वो पेड सर्च है करके, पेड सर्च इंजिन है। अभी जैसा ये देखो ये क्या है, पेड हो गया, ये जो एड दिखा रहा है मतलब ये पेड हो गया, ठीक है ना, और ऐसा स्पॉन्सर्ड भी दिखा रहा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, किधर गया वो, दिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, आपने अगर देखा होगा तो, एक मिनट, ये है ये है ये है ये है, हाँ ये देखो, एक मिनट, हाँ इसमें दिखाया था आपको मैंने एग्जांपल, सॉरी एक मिनट, हाँ हाँ इसमें दिखाया था आपको, देखो यहाँ पे इसमें दिखाया था, ये ऐसे दिखा के ना ऐसे दिखाता है साइड में स्पॉन्सर्ड, जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले अपने इसमें जो दिखाया था, ठीक है। तो ऐसा स्पॉन्सर्ड भी होता है, वो भी पेड ही होता है, जो कि रैंक करता है इमेजेस जो भी इंफॉर्मेशन है टॉप पे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से फर्स्ट 5 पेजेस पे आपका दिखना चाहिए, तो यू कैन से कस्टमर जो है मतलब ज़्यादा कस्टमर आप पा सकते हो ऐसा। तो देखो यहाँ पे वही दिया एड, एड मार्क करके आपने दिया, तो ये एड का दिया, ठीक है, जो कि लिंक विद एडवर्टीजमेंट दैट इज पेड सर्च चाहिए, ठीक है ना, ये पेड सर्च हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये ऐसे स्पॉन्सर्ड दिखाता है, फिर ऐसे लिख के, जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया आपको। अभी बेस्ट लैपटॉप का देखते हैं हम लोग आ रहा है क्या इसमें, तो आपको समझ जाएगा। फिर मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे बेस्ट लैपटॉप, ठीक है, तो नहीं आ रहा अभी फिलहाल, हाँ यहाँ पे देखो यहाँ पे दिखाया, नहीं यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा, ये विकिपीडिया का है, हाँ तो यहाँ पे दिख रहा है अपने को, रिजल्ट्स दिख रहा है अपने को, ठीक है ना। तो ठीक है, तो अभी बेस्ट लैपटॉप्स, बेस्ट शूज करता हूँ मैं, या फिर बेस्ट अम्ब्रेला देखते आ रहा है क्या,
हाँ देखो ये सब दिख रहा है ना अपने को, ठीक है एड्स देखो ये है एड्स आपका, ठीक है एड्स है ये, ठीक है ये भी एड्स ही है, यू कैन से जिधर स्पॉन्सर लिखा रहेगा वो स्पॉन्सर, ठीक है ऐसा, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो गया स्पॉन्सर्ड वाला। फिर बाद में ऑर्गेनिक सर्च में जैसा अगर ये ऐसे किया तो जो जो भी रिजल्ट आया, जैसे मैंने एडवर्ड्स का बताया था थोड़ी देर पहले, ये जो था ना ट्रैक पैड का बताया, तो क्या हुआ ट्रैक पैड के जो भी सब डिटेल्स आ गए वो, या एडवर्ड्स का जो बताया था मैंने वो, या बेस्ट अम्ब्रेला का भी, ये सब जो जो ये जो भी है सब नीचे दिखा रहा है, ये सब क्या है यू कैन से सर्च है, लिंक्स विद ऑर्गेनिक सर्च, ऑर्गेनिक सर्च है। फिर बाद में ये पूछता है कि डॉक्टर अजय जो कि ये है डिजिटल मार्केटर है, फिर वो क्या करता है कि मैं आपको बताता हूँ कि जो वेबसाइट जो हम लोग रैंक करते हैं ना SEO के थ्रू, उसका कुछ टेक्निक्स होता है और स्ट्रैटेजीज होता है जिससे कि हम हायर सर्च रैंकिंग्स पा सकते हैं, और कोई कोई क्या करता है सर्च इंजन रूल्स भी ब्रेक करता है। तो वो जो ब्रेकिंग करने का ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए ब्लैक हैट में आता है। ब्लैक हैट मतलब बुरा चीज़ बोल सकते हो, बुरा मतलब किसी का कॉन्टेंट उठा लिया कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, ठीक है ना। तो ये सब यू कैन से, या फिर डुप्लीकेट कॉन्टेंट, मतलब वही सेम डुप्लीकेट कॉन्टेंट ऐसा। वाइट हैट मतलब खुद से लिखा हुआ और रिलेवेंट कॉन्टेंट बोल सकते हो, इधर के आपने कीवर्ड्स को स्टफ कर दिया ऐसे ही डाल दिया कुछ भी भलताज ताकि रैंक हो जाए तो गलत है, ठीक है ना। वो ब्लैक हैट में आता है और ये वाइट हैट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डॉक्टर अजय यूजर एक्सपीरियंस एथिकली एंड जेन्युइनली, जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। और जो वेब पेज का जो कॉन्टेंट है वो किसने, यूजर ने ही क्रिएट किया रहना होता है, ना कि सिर्फ सर्च इंजिन के लिए होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया ठूस ठूस के हमने रख दिया अगर तो कैसा चलेगा, ठीक है ना। ठूस ठूस के ऐसा मतलब कीवर्ड जो होता है वो ठूस देते हम लोग, बीच बीच में ठूस देते, तो वैसा नहीं करना है। मतलब कैसे भी सिर्फ कीवर्ड्स के ऊपर भर के डाल दिया पूरा और कुछ कॉन्टेंट ही नहीं लिखा ताकि रैंक हो जाए, तो वो भी गलत है। फिर ब्लैक हैट जो है दैट इज़ वॉट यू कैन से इट मैनिपुलेट्स द गूगल एल्गोरिथम एक्चुअली, ठीक है, मैनिपुलेट करता है रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए, और कंटेंट्स जो भी है पॉपुलर वेबसाइट्स के कंटेंट ओरिजिनल वेबसाइट के कंटेंट दिखा देता है, मतलब अगर कॉपी पेस्ट किया होगा तो, ठीक है। तो ये सब यू कैन से दीज आर बैड एक्चुअली, सो गूगल क्रॉलर रीड्स दिस कंटेंट एंड थिंक द वेबसाइट इज ओरिजिनल एंड वन रन्स द पेज, पर बाद में वो उसकी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, क्यों, फिर वो ब्लैकलिस्ट कर देता है अगर उसको मालूम पड़ गया डुप्लीकेट है तो कॉन्टेंट। फिर क्रॉलर क्या है ये भी एक ध्यान में रखो, क्रॉलर मतलब जो क्रॉल करता है, जैसा ये क्या हुआ क्रॉल हुआ इधर ऐसे, ठीक है ना, क्रॉल मतलब वही सर्च में आया। तो इज अ प्रोग्राम दैट यूज बाई सर्च इन टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द वेबसाइट। अभी इसने क्या डेटा वेबसाइट से क्रैक किया, ये डिस्क्रिप्शन जो है ये वाला जो यू कैन से ट्रैक पैड टू, ये कीवर्ड उसने क्रॉल किया एक्चुअली, मैंने सर्च मारा था, ठीक है ना, ये होता है क्रॉलिंग। फिर सुहास बोलता है ओके ये चलो कुछ हम लोगों ने अभी सुना था कि ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO के बारे में, तो वो बता सकते हो क्या। तो वो क्या बोलता है ऑन पेज ऑफ पेज SEO ये और टेक्निकल SEO ये पार्ट होता है यू कैन से SEO का, रेडी ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, ठीक है ना, जो कि HTML कोड का ही पार्ट होता है। जैसा यू कैन से ऑन पेज SEO में हम लोग ये टैग्स के अंदर लिखते हैं जो भी लिखते हैं, ठीक है ना, और मतलब जैसे कि मेटा टैग हो गया, मेटा टैग के अंदर जो कंटेंट्स लिखते हो डिस्क्रिप्शन लिखते हो आईडी लिखते हो वो सब इसके अंदर आ जाता है सपोज, ठीक है ना। तो वो भी क्या होता है कीवर्ड्स आप उसमें डालते हो तो उस हिसाब से यू कैन से दैट इज द ऑफ पेज ऑन पेज SEO यू कैन से। सो अभी क्या करेंगे हम जो भी इंफॉर्मेशन है टैग्स के अंदर का वो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, दैट इज ऑन पेज SEO बोलते हैं, ठीक है ना। जो इन्फॉर्मेशन और जो भी है हम लोग मतलब जो वेब पेज के अंदर जो कर दें दैट इज यू कैन से ऑन पेज SEO, ठीक है ना, जो कि रीडर्स को विजिबल होता है और राइट इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए उनको जो भी सर्च इंजन से सर्च करते हैं, तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इन्फॉर्मेशन दैट योर कस्टमर रीडिंग ऑफ द पेज। और ऑफ पेज मतलब क्या है, जैसा लिंक बिल्डिंग कर दिया, बैक लिंक्स क्रिएट कर दिए, मतलब दूसरे साइट पे अपना साइट का लिंक दे दिया, या फेसबुक पे आपने लिंक पोस्ट कर दिया, ठीक है ना, तो वो सब ये होता है। देखो सोशल मीडिया, लोकल SEO, लिंक बिल्डिंग, ये सब क्या होता है, इससे भी आपको ट्राफिक मिलता है, पर ये क्या होता है ऑफ पेज SEO होता है, मतलब दूसरे साइट का मदद लेके उधर शेयर करना है कॉन्टेंट। और ऑन पेज मतलब SEO करना, मेटा डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स ये सब अंदर ठूस ठूस के, मतलब ज़्यादा नहीं ठूसना है, प्रॉपरली अच्छे से ये करके करना है उसको, मतलब कॉन्टेंट के अंदर ही लिख के आप उसको यूज़ करोगे। या फिर इमेज लिया होगा तो इमेज के अंदर ऑल टैग डालो, ऑल एट्रीब्यूट डालो उसके अंदर, वो उसका डिस्क्रिप्शन दो इमेज का, वो सब। फिर टेक्निकल SEO, टेक्निकल SEO बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि होल SEO प्रोसेस ही होता है। जैसे कि अगर आपको कुछ टेक्निकल SEO में अगर प्रॉब्लम दिख रहा है तो SEO का यू कैन से आपको जो भी एफर्ट्स ले रहे हो वो जनरेट नहीं करेगा आपको, जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको चाहिए अगर उसमें प्रॉब्लम रहेगा तो नहीं देगा आपको। जैसे कि साइट का स्पीड हो गया,
मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, मोबाइल डिवाइस में अगर देखा है तो मोबाइल फ्रेंडलीनेस, देखो ये वाला एक पार्ट है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, जैसे कि रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, मतलब मोबाइल का अगर ये इतना छोटा सा स्क्रीन है तो यही पूरा जो ऐसे एकदम इधर फैला के जो दिख रहा है इतना बड़ा पूरा, तो इतने में ही दिखना चाहिए, तो वैसा रेस्पॉन्सिव बनाओ भाई। फिर साइट का स्पीड अच्छे से फास्ट रहने दो, ज़्यादा भर भर के इमेजेस मत डालो या बड़े बड़े साइज के इमेजेस मत डालो, ठीक है ना, वो सब यू कैन से आप बोल सकते हो, ठीक है ना। सो ये सब ही है, स्लो करता है साइट स्पीड जो है, अगर स्लो करता है तो कोई भी यूजर वेट नहीं करेगा और उधर से छोड़ के चला जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, आपका रैंकिंग भी डाउन हो जाएगा क्योंकि स्लो है करके साइट आपका। फिर मोबाइल डिवाइस में क्या होना चाहिए, यू कैन से मोबाइल फ्रेंडलीनेस भी होना चाहिए, मतलब मोबाइल डिवाइसेस में आप उसको सर्चिंग करके मतलब व्यू कर सको ऐसा, ठीक है, तो वो भी अगर नहीं हुआ तो लोअर करता है रैंकिंग्स आपका। फिर मिस्टर सुहास बोलते हैं ओके यस सर, अभी मुझे समझा कि रिलेवेंट कॉन्टेंट डालना चाहिए, और फिर वो रिलेवेंट जो कंटेंट है वो रिलेवेंट है कि नहीं, मतलब जो कंटेंट डाल रहे हो रिलेवेंट है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो वो बोलता है जैसा अगर आपका स्प्रिंग्स और बियरिंग्स का है तो उसी के रिलेटेड डालो आप, जैसे कि उसका एक्सटेंशन स्प्रिंग्स हो गया, कॉम्प्रेसर स्प्रिंग्स हो गया, ड्रॉ बार हो गया, ये सब आप क्या करो कीवर्ड्स लो ऐसा और उसको मेटा टैग के अंदर ठूसो, ठीक है, और कुछ कुछ बीच में कॉन्टेंट्स के अंदर जैसा बोल्ड टैग, इटैलिक, अंडरलाइन, H1, हेडिंग टैग्स में डालो उसके कीवर्ड्स, ओके, या फिर इमेज के अंदर ऑल्ट एट्रीब्यूट डालो, जैसे मैंने बताया था इमेजेस वगैरह, ठीक है ना, ऑल्ट एट्रीब्यूट। तो ये सब करके आप क्या कर सकते हो, इसको प्रॉपरली यू कैन से जो रिलेवेंट कंटेंट, मतलब आप वो साइट का ये सब, मतलब अगर ये बॉल बेयरिंग्स के बारे में है तो ये साइट अभी कीवर्ड्स वगैरह ये सब जो भी आप डालते हो प्रॉपर प्लेस कर दो, तो उससे पता चलता है कि ये साइट उसके रिलेटेड है, तो जब भी कोई भी यूजर अगर सर्च करता है तो आपका साइट फिर पहले दिखाएगा ऐसे। फिर सुहास पूछता है कीवर्ड्स क्या होता है, जैसे अभी मैंने बता दिया कीवर्ड्स वो होता है जो वेबसाइट में यू कैन से लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड कॉन्सेप्ट का होता है। अभी लॉन्ग टेल मतलब क्या होता है, जैसा मैंने ये दिया ना इधर बेस्ट अम्ब्रेला, तो यू कैन से ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया। अगर मैं ऐसा देखता था बेस्ट अम्ब्रेला इन मुंबई फॉर 2021 ऐसा, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, ठीक है ना, समझ गया। तो बाय ये वाला एक अगर मैंने लिया सिर्फ अगर मैंने इधर ये दे दिया एडवर्ड्स, जैसा मैंने बताया था एडवर्ड्स, तो एडवर्ड्स मतलब ये एकदम शॉर्ट टेल हुआ, ठीक है ना, एडवर्ड्स। तो अभी ये कैसा है, एडवर्ड्स गूगल, दो कीवर्ड लिया हमने, ओके, तो यहाँ पे गूगल लिया, फिर ये किया मैंने, ठीक है, एडवर्ड्स गूगल लिया, तो ये क्या है, शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया। अगर मैंने अगर ये लिया होता पूरा, अगर लिया था बेस्ट लैपटॉप्स, बेस्ट लैपटॉप्स इन 2021 फॉर स्टडिंग, ठीक है, स्टडिंग, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, ठीक है, तो ऐसा होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो यही सब इसमें यहाँ पे दिखाया है, लॉन्ग टेल कीवर्ड शूज वही सब इसमें बताया हुआ है। तो बोलता है कि ऐसा कुछ टूल वगैरह है क्या, सजेस्ट करवाओ, तो टूल में क्या है यहाँ पे बता रहा है कि SEO ऑडिट करके एक टूल होता है जिससे कि आपको पता चलता है सब, ठीक है ना, SEO ऑप्टिमल, ये सब फ्री SEO ऑडिट टूल है जिसमें आपको पता चलता है कि आपका वेबसाइट जो है वो कैसा, मतलब क्या क्या उसमें खराबी है या क्या, मतलब यू कैन से कीवर्ड्स प्रॉपर है कि नहीं है, वो सब इसमें बताता है आपको, ठीक है। फिर ये टूल का नाम याद रखना, पर SEO ऑडिट और SEO ऑप्टिमल करके, ठीक है। अब यहाँ पे यू कैन से ये देखते हैं हम लोग, ये बता रहा है HTML हेडर, तो वही मैंने बताया था टाइटल टैग के अंदर कीवर्ड्स ठूसो वो इंपॉर्टेंट है, मेटा टैग के अंदर डालो, मतलब कोड स्निपेट्स हो जाता है, वो क्या करता है सर्च इंजन को बताता है जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आप टैग्स में डालते हो, जो भी आप टैग्स में डालते हो ना मेटा टैग में, तो वो यू कैन से ये करता है। अब जैसे इसमें अगर मैं बताने जाऊँ आपको देखो हाँ ये वाला अगर कुछ आया, जैसे कि अभी ये आया, ठीक है, तो इसके अगर मैं राइट क्लिक करके देखूं तो देखो यहाँ पे हाँ ये जो दिख रहा है देखा आपने, मेटा नेम इज इक्वल टू दिस, कंटेंट इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, मेटा नेम कंट्री, अभी यहाँ पे देखो दिया है कीवर्ड्स, तो ये क्या है मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स, मतलब मेटा के अंदर नेम इज इक्वल कीवर्ड्स, कंटेंट क्या है इसका, लैपटॉप, डेल लैटिट्यूड, डेल एक्सपीरियंस, ये सब क्या है कीवर्ड्स है देखो, ठीक है ना, तो ये किस में आ गया, मेटा टैग के अंदर आ गया, तो वही है जो भी है मेटा टैग के अंदर, ठीक है, तो इट इज़ वॉट ऑन पेज एसईओ के अंडर आता है ये, जो कि बूस्ट करता है आपका ऑन पेज एसईओ, ठीक है। तो ये टाइटल टैग आ गया, टाइटल टैग मतलब ये जो दिख रहा है आपने को अभी, ये क्या है टाइटल हो गया, डेल स्लीक एंड पावरफुल लैपटॉप्स बेस्ट इन क्लास वारंटी सर्विस, मतलब ये क्या हो गया टाइटल हो गया, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे बॉडी कॉन्टेंट, हेडिंग टैग्स, जैसा मैंने बताया हेडिंग भी होता है, ठीक है ना,
हेडिंग H1 जो आपको पता होगा HTML का, वैसा इमेज टैग, इमेज के अंदर आप हेडिंग में क्या है वन टू H1 टू H6 आप ले सकते हो, मतलब बड़ा हेडिंग से लेके छोटा हेडिंग से ले सकते हो, उसमें टाइटल्स वगैरह सब डेवलप कर सकते हो आप, वो भी फेचेबल होता है, गूगल सर्च इंजन में क्रॉल करता है वो सब। फिर इमेज टैग विथ ऑल्ट एट्रीब्यूट, जैसे ही मैंने बताया ऑल्ट टेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग डालते हैं, जैसा ऐसा रहता है ना कोड, क्या करता है आप इमेज सोर्स इज इक्वल टू जो फाइल का पाथ देते हैं और ऑल्ट इज इक्वल टू, मतलब अगर किसी एडवर्ड्स के टाइप रहेगा तो एडवर्ड्स करके इधर लिखोगे तो समझ जाएगा कि एडवर्ड्स का लोगो, अगर इधर ऐसा लोगो करके लिखोगे तो समझ जाएगा कि एडवर्ड्स का लोगो का इमेज है करके, ठीक है वो है। तो ये भी क्या करता है, यू कैन से इम्प्रूव करता है एक्सेसिबिलिटी और एनहांस करता है रैंकिंग करने में इमेज सर्च के थ्रू, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ ये बेस्ट लैपटॉप का, तो इमेजेस का अगर मैं गया इसमें तो इमेजेस, हाँ देखो इमेजेस, तो इमेजेस में ये आ गया और ये शायद से कुछ ऑल्ट एट्रीब्यूट में लिखा होगा इसलिए दिखा रहा है इधर आपको, ठीक है। तो कीवर्ड कंसिस्टेंसी, कीवर्ड का कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ज़्यादा भी कीवर्ड नहीं डालने चाहिए, कम भी नहीं डालने चाहिए, ठीक है ना, बराबर प्रॉपर सेट ऑफ कीवर्ड्स रखने चाहिए आपको रैंक करने के लिए साइट। फिर लिंक्स, लिंक्स मतलब बैक लिंक्स, अभी बैक लिंक्स मतलब क्या होता है, जो लिंक्स आपको यू कैन से दूसरे साइट पे डायरेक्ट कर जाए, डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर वेबसाइट, दूसरा मतलब दूसरा जो भी लिंक, अगर अपना साइट का अगर लिंक दिया रहेगा तो आपके साइट पे है, मतलब कोई भी दूसरा वेबसाइट अगर उधर ट्रैफिक ज़्यादा है सपोज, ठीक है ना, अगर उधर ज़्यादा ट्रैफिक है तो यू कैन से क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण यू कैन से आपको वापस मिल रहा है, मतलब उधर का जो यूज़र्स है वो आपके साइट पे आ रहा है अगर वो साइट पे लिंक रहेगा आपका, तो इसके लिए बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट होता है SEO के लिए, क्योंकि सम सर्च अभी बोल रहे इतना ये नहीं होता बैकलिंक्स, पर है क्वालिटी बैकलिंक्स होना ज़रूरी है, देखो यहाँ पे क्वालिटी बैकलिंक्स भी होना ज़रूरी है। तो बैकलिंक्स आर व्हाट आर द लिंक्स दैट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर वेबसाइट यू कैन से, ठीक है। तो ये इतना समझ के रखो। फिर ब्रोकन लिंक्स मतलब जो पेज नॉट फाउंड, पेज 404 पेज का जो पेज नॉट फाउंड का जो एरर रहता है, तो वो क्या करते हैं, वो अगर ऐसा रहेगा ना तो क्या करेगा, कोई भी वेबसाइट का अगर ऐसा कोई टूटा हुआ लिंक रहेगा तो उसमें आपका लिंक दे सकते हो आप, तो उधर से भी जो ट्रैफिक जाता है मतलब कोई भी सर्च करने पे वो पेज नहीं मिलता है बंदों को, तो वो फिर आपका पेज उधर डाल दो, तो उससे भी क्या होता है यू कैन से विजिटर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो भी बोल सकते हैं अपन ब्रोकन लिंक्स का, पर ब्रोकन लिंक्स आर लिंक दैट सेंड द मैसेज टू द विजिटर, मतलब जो पेज है ही नहीं अभी वो बताया इसमें, पर मैं बता रहा हूँ आपको यूज़ क्या है ब्रोकन लिंक्स का ऐसा। फिर फ्रेंडली URLs, ठीक है, तो SEO फ्रेंडली URLs लेना है अपने को, ठीक है, जो कि यूज़र जो सर्च करता है, अभी जैसा इसमें देखो ऑल में गए तो URLs देखो क्या दिया था, लैपटॉप, तो ये क्या है एक URL है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो लैपटॉप, लैपटॉप्स के अंदर हाउ लैपटॉप, मतलब किसी ने अगर कुछ हाउ लैपटॉप इज़ रिपेयर्ड अगर रहेगा तो हाउ लैपटॉप ये वाला आएगा, मतलब कैसा कुछ हाउ से मतलब जो चाहिए अगर वो ही अगर URL में रहेगा तो कितनी अच्छी बात है नहीं क्या, तो वही इसमें दिया हुआ है, यू कैन से URL फ्रेंडली वेबसाइट बनाना चाहिए। फिर इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग मतलब जो अभी यहाँ पे जो दिख रहा है ना सब, ये इसमें इंडेक्स हुआ है, ये भी गूगल पे इंडेक्स हुआ है, मतलब इंडेक्स होना मतलब यहाँ पे आना आपका, तो इंडेक्सिंग द प्रोसेस ऑफ एडिंग वेब पेजेस इनटू गूगल सर्च, तो उसके लिए आपको क्या करता है गूगल सर्च कंसोल यूज़ करना पड़ता है, तो उसमें आप क्या करते हैं ऐड करते हो, मतलब वैसे तो अपने आप आ जाता है जब ऐड नहीं करोगे तो, अगर आपने उधर डिस्करेज नहीं किया रहेगा तो, ऑप्शन क्लिक नहीं किया रहेगा तो, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम क्रॉलिंग दिस साइट करके उधर अनेबल नहीं किया रहेगा तो नहीं आएगा, नहीं तो क्या होता है आ जाता है अपने आप, नहीं भी किया तो, ठीक है। तो ये इधर सब इंडेक्सिंग हो जाता है फिर आके कीवर्ड्स के हिसाब से। फिर गूगल बॉट, गूगल बॉट क्या है आपका, इट इज़ अ गूगल स्पाइडर, एक गूगल स्पाइडर होता है जो कि यू कैन से सब वेब पेजेस को इंडेक्स करता है वो, ठीक है, गूगल के डेटाबेस में, उसको बोलते हैं गूगल बॉट। तो ये क्या करता है, इट कलेक्ट्स द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वेब टू बिल्ड गूगल सर्च इंडेक्स, ठीक है। अभी robot.txt क्या करता है, ये सर्च इंजन को बताता है कि कौन सा पेज को हम लोग एक्सेस करवा मतलब इंडेक्स करवाना है और कौन सा नहीं करवाना है, ठीक है ना। तो अगर ये पेज को इंडेक्स करवाना है तो करो, ये पेज को अगर इंडेक्स नहीं करवाना है तो इधर मत दिखाओ भाई, तो वो इधर भी हम लोग robot.txt में कर सकते, वही बताए। फिर देखो यहाँ पे दिखाता है ऐसे, डिसअलाउ अगर करना है आपको ये वाला तो डिसअलाउ कर दो आप, मतलब आएगा ही नहीं वो पेज वहाँ पे जैसे आप सर्च करते हो। फिर डिवाइस रेंडरिंग, ठीक है, डिवाइस रेंडरिंग मतलब वही आपका कैसा कौन सा डिवाइस है, मोबाइल है टैबलेट है, तो उस हिसाब से उसको रेंडर करो, पेज को ऐसा ऑप्टिमाइज करो, रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस बनाओ। फिर फ्लैश, एक यू कैन से इंटरेक्टिव मीडिया टेक्नोलॉजी है जो कि यू कैन से यूज होता है, पर फ्लैश कभी कभी सर्च इंजन किल करता है, सॉरी रैंकिंग किल करता है। आई फ्रेम्स, जो भी फ्रेम्स लेते हैं आप यूट्यूब वगैरह का, जो भी आप वीडियोज़ वगैरह फ्रेम के हिसाब से लगाते हो,
वो भी आई फ्रेंड्स के अंडर आता है। फैबी आइकॉन मतलब ऐसा गूगल ये यूट्यूब ये सब यू कैन से, इसको हम लोग शॉर्टकट आइकन या वेबसाइट आइकन बोलते हैं। ठीक है, फिर लेजिबल फॉन्ट साइजेस होना चाहिए, जैसा 16 होता है टाइटल के लिए 18 ले लो, कंटेंट के लिए जो बीच में ऐसे कंटेंट लिखते हो इसके लिए आप 16 ले लो पिक्सल फॉन्ट का, तो ऐसा रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए, एकदम भी छोटा नहीं होना चाहिए, एकदम भी बड़ा नहीं होना चाहिए फॉन्ट। फिर टैब टारगेट साइजिंग, ठीक है, जो भी कैसे एलिमेंट्स होती है वेब पेज की जो कि इंटरेक्ट करता है यूज़र, जैसे कि बटन्स हो गया, लिंक्स हो गया, ये सब जो भी है यू कैन से एक्सेस जो करते हैं हम लोग पेजेस का एक टच स्क्रीन लेके, तो वो सब उसमें ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं दिखना चाहिए, वही चीज़। परफॉर्मेंस रिजल्ट, नंबर ऑफ रिसोर्सेज, ओके, क्या क्या रिसोर्सेज आपने लिया है, टोटल नंबर ऑफ फाइल्स, वेब सर्वर से कितना लोड हो रहा है, अनलोड हो रहा है, मतलब वो सब यू कैन से स्क्रिप्ट के हिसाब से जो भी रिसोर्सेज लोड होना है वो। फिर पेज स्पीड इन्फो, ओके, ये मतलब इसका है पूरा, कैन से जो सर्च आपका ऑडिट टूल में दिखाता है यू कैन से वो वाला है पेज स्पीड इन्फो, मतलब स्पीड कैसा है, तो जाहिर सी बात है अगर स्पीड स्लो होगा तो यू कैन से आपका रैंकिंग भी डाउन होता है। सो पेज स्पीड डज अफेक्ट SEO, यू कैन से डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर पर अफेक्ट होता है, पेज स्पीड होना चाहिए साइज प्रॉपर। पेज साइज इन्फो, साइज भी कम होना चाहिए, ठीक है, जो भी डाउनलोड फाइल साइज होता है वेब पेज का, तो वो पेज साइज इन्फो होना चाहिए। फिर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करना है आपको, जो भी फेसबुक ट्विटर ब्लॉग्स फॉरम्स ये सब में आप शेयर वगैरह करो, कम्युनिटीज़ में डालो, तो उससे भी ऑप्टिमाइज होता है। फिर SEO सिक्योरिटी चेक्स होता है, जैसे कि HTTPS और मालवेयर चेक वगैरह, आपका डाउन टाइम के हिसाब से या डेटा लॉस अगर कुछ हो रहा है क्या, वो सब चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो SEO ऑडिट यहाँ पे देखो टूल है, इसमें से आपको क्या करना है, एंटर करना है आपका वेबसाइट, तो आपको सब दिख जाएगा, ऐसे ABC कौन सा कितना इसमें अच्छे से चल रहा है वो दिखाएगा। फिर बाद में यहाँ पे वही बताया मिस्टर सुहास, सर आई एम ऑल्सो फेसिंग अ प्रॉब्लम, पीपल जो विजिट करते हैं वो लोग परचेस नहीं करते, वो डिप्रेशन का कारण है मेरे लिए, तो उसके लिए वो क्या बोलता है, फनल वगैरह आप बनाओ ऐसे, ठीक है ना, तो एक्विजिशन बिहेवियर कन्वर्जन आता है इसमें। सो अभी ये बताता है फनल के बारे में, तो ये बोलता है कि चलो उसको हम लोग समझते हैं अपन, तो कैसा है वो, तीन स्टेजेस का, एक एक्विजिशन होता है, मतलब जो भी वेबसाइट आता है वो कितना एक्वायर्ड होता है आपका, यू कैन से फिर बाद में क्या बिहेव करता है, मतलब क्लिक करता है कि वॉच करता है वीडियो, ठीक है ना, तो मतलब प्रोडक्ट को क्लिक करके उसका डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं क्या, फिर कैसा कन्वर्जन हुआ, मतलब उससे फिर कुछ खरीदता है क्या, वो सब इसमें आपको डिटेल दिख जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो वही इसमें दिया हुआ एक्विजिशन, दैट इज क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट, यू कैन से। फिर बिहेवियर, वंस ही नो फील द प्रोडक्ट बाइंग, और मतलब ही मे फील बाइंग मे नॉट टू फील टू बाय, और मतलब खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, जो भी है यू कैन से उसका बिहेवियर उसमें है। फिर कन्वर्जन, फिर कन्विंस हुआ क्या, वो बेटर ऑफर के हिसाब से बाय कर रहा है क्या प्रोडक्ट, बाय ऑप्शन के हिसाब से अगर जैसा आपने दिया है, तो उसको हम लोग यू कैन से ये सब इसमें आ जाता है। बिहेवियर एंड एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से कस्टमर का प्रोडक्ट क्या है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं, वो जानना, वो सब उसमें आ जाता है। फिर बिहेवियर में वो, फिर वो सब जो भी प्रोडक्ट उसको दिखा उसमें वो क्या कर रहा है, वो खरीदना चाहता है कि नहीं चाहता है, वो जानना, उसके लिए कुछ एक फॉर्म वगैरह ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन फॉर्म्स टाइप का। फिर कन्वर्जन, कितना फिर वो यू कैन से कन्विंस किया आपने अगर कॉम्पिटेटर के मुकाबले कि वो खरीद पाया या नहीं पाया ऐसा। फिर सवाल बोलता है, सर आई हर्ड अबाउट गूगल एनालिटिक्स दैट हेल्प्स, ओके, एनालिटिक्स के बारे में, तो वो बोलता है कैसे, मतलब गूगल एनालिटिक्स भी एक यू कैन से रैंकिंग का फैक्टर है, तो पूछता है फिर कैसे, तो सबसे पहला तो बोला गूगल एंड, फिर गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, एक वेब एनालिटिक्स सर्विस प्रोवाइडर है जो कि गूगल से ही मिला हुआ है, जो कि ट्रैक करता है और रिपोर्ट करता है वेबसाइट का ट्रैफिक, ठीक है, नंबर ऑफ विजिटर्स, टाइम स्पेंड कितना हुआ वेबसाइट पे, लोग कितने आए, कितने देर तक रुके, सब इसमें दिखाता है। तो गूगल एनालिटिक्स वॉज नॉट द प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय गूगल एक्चुअली, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स गूगल से नहीं डिस्कवर किया था, ये किससे किया था, अर्चिन ने किया था 2005 में, फिर बाद में गूगल ने उसको एक्वायर किया, ये ध्यान में रखो, फिलअप में आता है, ठीक है। फिर बाद में यू कैन से सुहास ने बोला थैंक यू सर, अभी जो कॉम्प्लेक्सिटी है यू कैन से कैसे मैं रिड्यूस करूं, तो कोई ऐसा टूल है क्या बताओ मुझे। सो वही है फॉर परफॉर्मिंग गूगल एनालिटिक्स, यू कैन से आप एनालिटिक्स जो भी रिपोर्ट्स है वो है, आता है उसमें, यूजर्स कितने आए लास्ट 7 डेज में, सेशंस कितने हुए हैं, बाउंस रेट कैसा है, मतलब जो बंदा आता है वो कितने देर रुकता है आपका, कि बैक बटन प्रेस करके चला जाता है, मतलब ये जो होता है ना ये वाला बैक बटन, यहाँ पे ये जो बैक बटन होता है ना ये वाला, मतलब ये जो इधर दिख रहा है आपने को, ठीक है ना, ये वाला ये बैक बटन, अभी जैसा ये है, अब अगर मैं बैक बटन चाहूँ मतलब पीछे जा रहा हूँ मैं ऐसा, मतलब फटक से पीछे जाऊँ, मतलब बाउंस हो गया वो बंदा ऐसा, ठीक है। और सेशन मतलब यू कैन से आधे घंटे के हिसाब से, ऐसा तो कुछ नहीं, बट सेशन एक एक सेशन का कितना वो देर रुका है, वो इसमें सेशन ड्यूरेशन, वो एवरेज टाइम कितना स्पेंड किया वेबसाइट पर यूज़र,
एक्टिव यूजर्स राइट नाउ, मतलब एक्टिवली कितने यूजर्स करेंटली आपके वेबसाइट पे देख रहे हैं, वो आपको पता चलता है। ये सब जो है मैट्रिक्स जो होता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ही होता है एक टाइप का, जो कि SEO को कैन से बूस्ट करने में काम में आता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका। फिर मतलब सो एज बोलते हैं थैंक यू सर, सब पॉजिटिव लग रहा है अभी मुझे, वही सब दिया है तो अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग का और सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये सब मैं अभी वर्क करूंगा इस पे। तो फिर बाद में अजय बोलता ओके ठीक है थैंक यू हैव ए नाइस डे करके वो बोलता है, उसको समझ गया तो समझा देता है पूरा। फिर यहाँ पे देखो समरी दिया हुआ, मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग देखो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग जो होता है वो नहीं करके मतलब सिमिलर उसके ही सिमिलर होता है बट डिजिटल डिवाइसेस यूज करते हैं। फिर पेपर क्या क्या ऑप्शन है, SEO मार्केटिंग एनालिटिक्स PPC वेब डिजाइनिंग ये सब होता है। फिर SEO जो होता है ये क्या करता है, क्वांटिटी और क्वालिटी जो होता है वो इंक्रीज करता है ट्रैफिक का, ठीक है वो बोलते हैं। और ऑर्गेनिक सर्च जो होता है वो नेचुरल सर्च होता है जो कि अनपेड सर्च बोला जाता है। क्रॉलर जो होता है वो क्या होता है, एक सर्च इंजिन जो कि कैसे मतलब एक प्रोग्राम होता है सर्च इंजिन यूज करता है कलेक्ट करने के लिए डेटा वेबसाइट से, ठीक है। फिर बाद में टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज में क्या होता है, व्हाइट हैट SEO ब्लैक हैट SEO। SEO स्ट्रैटेजीज तो ट्रैफिक जनरेट के लिए क्या करते हैं, ऑन पेज SEO ऑफ पेज SEO एंड टेक्निकल SEO करते हो, ठीक है। फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है बताया मैंने आपको, ठीक है। और आपको अगर चेक करना है वेबसाइट का कोई भी तो आप SEOoptimal.com में जा सकते हो। फिर गूगल एनालिटिक्स किसके किसने एक्वायर किया, गूगल ने, किससे, अर्चिन से, कब, 2005। इसका आंसर बहुत जन ने गलत दिया था, मैंने जब एक बार पोल रखा था ना बहुत जन ने गलत दिया था, ऐसा मत करो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। फिर गूगल एनालिटिक्स क्यों यूज होता है, वेबसाइट का ट्रैफिक वगैरह, सेशन ड्यूरेशन, बाउंस रेट वगैरह कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। फिर बाद में इधर ये सब एक्सरसाइज का है, ये सोल्यूशन डाल दिया, मैं फिर भी इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए, ठीक है, पूरा वन शॉट वीडियो यू कैन से फॉर ऑल एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। सो टिल देन यू कैन नाउ कमेंट मी इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है। सो कमेंट कर लो आप लोग, कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे तो मुझे बेशक पूछना इसमें, अगर कुछ नहीं समझा होगा। एंड ऐसे ही पूरे इंपॉर्टेंस का भी वीडियोस चैप्टर्स का सब डाला हुआ है, वो भी मिल जाएगा आपको। फिर कैसे अपन IT का ऑनलाइन एग्जाम देते हो वो भी मिल जाएगा आपको, बाकी सब चैप्टर्स का, फिर SOPs का, ये चैप्टर के SOPs का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्रैक्टिकल में आपको मिल काम में आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ रिसेंटली, एंड शेयर कर दो वीडियो को स्टूडेंट आपके फ्रेंड स्टूडेंट्स में, एंड लाइक कर दो वीडियो को अच्छा लगे तो, ठीक है। टिल देन थैंक यू, हैव ए गुड डे।